ओके देखो स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स से। ठीक देखो तो सबसे पहली चीज लाइट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो अब हम लाइट को स्टडी करने जा रहे हैं। लाइट की स्टडी बहुत कॉम्प्लेक्स है और ये हमेशा से ही सबसे मुश्किल और कॉम्प्लेक्स रही है। तो लाइट की स्टडी में क्या प्रॉब्लम थी कि लाइट की स्टडी के अंदर लाइट एक एनर्जी है और एनर्जी प्रोपोगेट कर रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ठीक ठीक तो लाइट की एनर्जी प्रोपोगेट करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो 1600s के अंदर न्यूटन ने सबसे पहले लाइट के ऊपर काम करना शुरू किया था। लाइट सभी को ऐसी दिख रही है जैसे हमें आप सबको एक जैसी दिखती है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि लाइट की नेचर वेव होगी या रे होगी। कहां हमें तो लाइट लाइट नजर आ रही है। न्यूटन क्योंकि एक्सपर्ट किसका था मैकेनिक्स का, काइनेमेटिक्स कैलकुलस फोर्स फ्रिक्शन वर्क एनर्जी रोटेशनल उसकी मास्टरी थी, उसने लाइट को भी इसी तरीके से स्टडी कर लिया। उसने ये माना कि सपोज करो अगर एक बुलेट चलती है और सामने एक ब्लॉक को हिट करती है तो एक मास गया और हमने काइनेटिक एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी से बुलेट ने ब्लॉक को हिट किया तो हमारी एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या हो गई ट्रांसफर हो गई। बेसिकली है तो लाइट है तो एनर्जी ना, और एनर्जी ट्रांसफर करवानी है तो उसने कहा कि लाइट जो बनी हुई है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और वो पार्टिकल्स एनर्जी कैरी करते हैं काइनेटिक, और वो काइनेटिक एनर्जी कैरी करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को कैरी करके ले जाते हैं, ये उसका मानना था। और क्योंकि एनर्जीज में तो एक्सपर्ट था ही वो, तो उसने सोचा कि मास बहुत छोटा है पार्टिकल्स का लाइट के अंदर और काइनेटिक एनर्जी तो कुछ ना कुछ होती होगी, वो जो भी होती होगी, तो काइनेटिक एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई तो लाइट ट्रेवल हो गई। अब प्रॉब्लम थी इसके अंदर, हालांकि उसने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया था, इससे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव किया, उसने जो है रिफ्रैक्शन को भी प्रूव कर दिया, कई ऑप्टिक्स के फिनोमिनास को उसने अपनी थ्योरी से प्रूव किया, लेकिन सारी एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव नहीं कर पाया। ये थ्योरी कम से कम 100-150 साल तक लोगों ने मानी सही है, क्योंकि न्यूटन बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसको चैलेंज करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो कोई गलत कैसे बोल देगा उस साइंटिस्ट को जो बहुत ही जिसका नाम है और जो इतनी बड़ी अचीवमेंट कर चुका है। तो लोगों ने इस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन फर्स्ट टाइम एक और साइंटिस्ट आया हाइगंस, इसने इस थ्योरी को कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोलते थे न्यूटन की, और इस कॉर्पस्कुलर थ्योरी को उसने फेल किया। उसने कहा कि लाइट पार्टिकल्स की फॉर्म में, जैसे जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जो न्यूटन ने बताया था कि स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल जाते जा रहे हैं वैसे ट्रेवल नहीं करते। उसका यह मानना था और बड़ा छोटे एक्सपेरिमेंट से उसने ये चीज को प्रूव कर दिया कि न्यूटन की थ्योरी गलत है। क्या एक्सपेरिमेंट था? अगर एक रूम के अंदर हम एक बल्ब ऑन कर दें तो उसकी रोशनी पूरे रूम के अंदर जाती है, सिर्फ रूम ही नहीं सामने कॉरिडोर में भी जाती है, सिर्फ वही नहीं स्टेयर में भी चली गई है, मेरे ऑफिस में भी जा रही है, तो दो चार रूम तक रोशनी फैल जाती है। और अगर ये बुलेट की तरह लाइट जाती और स्ट्रेट जाती जैसे न्यूटन ने बोला था तो दूसरे कमरे में एंटर ना कर पाती। ये तो ठीक वैसी जा रही है जैसे अगर यहाँ पर मैं पानी का फ्लो शुरू कर दूँ इस कमरे में, पानी यहाँ से इस कमरे में जाएगा
कॉरिडोर तक जाएगा, उसको रास्ता इधर का मिलेगा, तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, यानी कि फैलेगा हर जगह। तो लाइट भी बिल्कुल वैसे ही बिहेवियर शो कर रही है जैसे वाटर करता है। और अगर यहाँ पर रुका हुआ पानी है पूरे रूम्स में, यहाँ यहाँ तक पानी है, और मैं एक स्टोन को ड्रॉप करता हूँ बड़ी जोर के, रिपल्स क्रिएट होते हैं, वो रिपल्स सामने भी जाएंगे और दूसरे रूम तक भी पक्का जाएंगे। तो लाइट भी एग्जैक्टली वैसी काम कर रही है जैसे पानी काम कर रहा है। तो न्यूटन की थ्योरी तो यहाँ पर हो जाती है फेल इस एग्जाम्पल से। तो अगर न्यूटन की थ्योरी गलत है और ये थ्योरी सही है, तो फिर इस थ्योरी का क्या बेसिक्स है, प्रिंसिपल क्या है? तो हाइगन ने कुछ अपने रूल्स बताए लाइट को ट्रेवल करने के, इमेजिनेशन में थे पहले रूल्स, उसकी थ्योरी थी ये, क्योंकि प्रूव नहीं हुई थी। उसका ये मानना था कि लाइट एक वेव नेचर कैरी करती है, ये वेव्स हैं जो आगे रिपल्स की तरह प्रोपगेट करती हुई जा रही हैं, और जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स आगे ट्रेवल नहीं कर रहे। जैसे पानी में अगर आप पत्थर फेंको तो रिपल्स आगे जाते हैं, लेकिन पानी फ्लो नहीं करता, उसमें से पार्टिकल्स जो है वेव प्रोपगेट कर जाती है, एनर्जी प्रोपगेट कर जाती है बिना पार्टिकल्स की मोशन के। लाइट का भी सेम नेचर है, एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, और मीडियम की जरूरत लाइट को वैसे भी होती नहीं है, तो भी हो जाती है। ठीक, उसके कुछ प्रिंसिपल्स थे जो हम इस चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे। फिर अभी उसका ये मानना था कि ये वेव नेचर है, अभी प्रूव नहीं हुआ था, और जब तक चीज़ प्रूव ना हो तो वो चीज़ मानी नहीं जाती कि पूरी तरह करेक्ट है। हो सकता है न्यूटन सही हो सकता है अभी तक हाइगन सही हो। तो उसके बाद 1801 में एक और साइंटिस्ट था यंग्स ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया लैब में कि सबको मानना पड़ गया कि न्यूटन की थ्योरी सही नहीं है और हाइगन्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एकदम सही हैं। उसने इंटरफेरेंस करके दिखाया दो लाइट्स का। इंटरफेरेंस होती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज़ करके दो लाइट को आपस में मिलाना और एक नई लाइट को जनरेट करना, और जो कि तभी हो सकता है जब लाइट की कौन सी नेचर है, वेव नेचर है। तो ये पक्का ट्रू हो गया, इसमें कोई शक नहीं कि लाइट की कौन सी नेचर है, वेव नेचर है, यानी कि ये वाली थ्योरी एकदम सही बैठ रही है। तो न्यूटन की थ्योरी तो यहाँ से ऑब्सोलीट हो चुकी है। क्लियर यहाँ तक? और अभी ये अपना एक्सपेरिमेंट उसने बताया ही था अभी तक, साथ में साथ कहीं और कंट्री में और एक्सपेरिमेंट चल रहा था मैक्सवेल का ईएम वेव्स पे। ये लोग लाइट को तो स्टडी कर नहीं रहे थे, ये तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी कर रहे थे, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करते करते इन्होंने एक नई वेव जनरेट कर दी थी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसका प्रूफ हर्ट्ज ने लैब के अंदर प्रूफ भी कर दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती हैं। और इनकी स्टडी के अंदर से ये निकल के आया था कि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हमने किया लाइट भी ईएम वेव है, वेव है। अब तो पक्का गारंटी हो गई कि लाइट की नेचर क्या है, वेव नेचर है, क्योंकि इसने तो बता ही दिया था, इसने भी प्रूव किया, इसने किसी और तरीके से प्रूव किया। तो ये सारी चीजें इंडिकेशन दे रही हैं कि लाइट की वेव नेचर तो है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो वेव नेचर तक, यानी कि लाइट की बेसिक नेचर तो वेव नेचर ही है पहली चीज। तो इस ऑप्टिक्स को, लाइट की स्टडी को हमने क्या नाम दिया, वेव ऑप्टिक्स। ठीक हो गया यहां तक? वेव ऑप्टिक्स हो गया। अब वेव ऑप्टिक्स और जो रे ऑप्टिक्स है उसमें हम लाइट को कैसे ट्रीट करते हैं, लाइक रेज, स्ट्रेट रेज। तो ये हमारा मानना है कि लाइट की जो नेचर है वो रे नेचर है, और वेव जो रे ऑप्टिक्स है इज अ स्पेशल केस ऑफ रे ऑप्टिक्स। जो रे ऑप्टिक्स है इज अ स्पेशल केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स। तो पहले वेव ऑप्टिक्स आया और फिर रे ऑप्टिक्स आया। ठीक है यहां तक? सो इसमें जो रे ऑप्टिक्स है उसमें हम लाइट को रेज की फॉर्म में डिस्कस करेंगे, और हम ये देखेंगे कि रे ऑप्टिक्स के अंदर कुछ फिनोमिनाज ऐसे हैं जो वेव के कॉन्सेप्ट से ही प्रूव किए जा सकते हैं, और कुछ फिनोमिनाज ऐसे हैं जो रे के कॉन्सेप्ट से ही डिस्कस किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरफेरेंस करना, लाइट का मिलना, ये सब वेव का फिनोमिना है। और रे के अंदर लाइट स्ट्रेट जाएगी, टकराएगी और वापस आएगी। जैसे हम अपनी इमेज देखते हैं एक मिरर के अंदर, तो वो रेज के साथ एक्सप्लेन किया जा सकता है, वेव के साथ एक्सप्लेन नहीं हो सकता। ठीक, तो वेव रे ऑप्टिक्स, इन टेलीस्कोप का काम, माइक्रोस्कोप कैसे बनते हैं, ये सब रे ऑप्टिक्स के फिनोमेना हैं, वेव के नहीं है। ठीक है यहां तक? तो यानी कि लाइट जो है वो वेव की बेसिक नेचर तो वेव नेचर है, और रे तो उसका एक स्पेशल केस निकल के आएगा।
अभी तक 1900 तक, 1600 सदी से स्टार्ट होके 1900 तक वेव और रे नेचर ही चल रही थी। 1905 में पहली बार आइंस्टाइन ने एक टर्निंग पॉइंट दे दिया, 300 साल के बाद लोगों को पता लगा कि एक और भी नेचर है लाइट की, और वो है पार्टिकल नेचर। लाइट की पार्टिकल नेचर भी हो सकती है, और लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। अब आपकी इच्छा है कि आप उसको वेव नेचर लो या फोटो नेचर लो, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जो लाइट को पार्टिकल नेचर मान के ही प्रूव किए जा सकते थे, और उस अफेक्ट का नाम था फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट है उसके अंदर ये माना गया कि लाइट किससे बनी हुई है, फोटोन से, और फोटोन्स आते हैं एनर्जी के पैकेट्स हैं, फोटो सेंसिटिव प्लेट पे गिरते हैं, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन पे गिरता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन की मोशन को अगर हम ठीक तरह चैनलाइज करें तो करंट कैन बी जनरेटेड। तो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट आया, और आज के टाइम में अगर हम इतनी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ चुके हैं, वो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन भी है। तभी इसको जो है एक वन ऑफ दी बहुत बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं आइंस्टाइन को, इसे बहुत बड़ा टर्निंग अफेक्ट दिया, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट में आप सोलर सिस्टम पूरे का पूरा कैसे काम कर रहा है, फोटोन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो जितना सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट है, जितना भी ये इलेक्ट्रॉन्स की मोशन का कॉन्सेप्ट है विद द हेल्प ऑफ हीट फोटोन्स, ये सब इसने दिया, और सोलर पैनल्स या जितने भी इलेक्ट्रॉन मोशंस हैं ये सब इसी की वजह से चल रहे हैं। और यहाँ से एक मॉडर्न साइंस का जमाना स्टार्ट हो गया था, और वो जो फिजिक्स जो इसकी हेल्प से आगे बढ़ी उसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो आपका सिलेबस भी ऐसे डिवाइडेड है, वॉल्यूम टू पहले चलेगा ऑप्टिक्स एक सवा एक या डेढ़ महीना, और डेढ़ महीना चलेगा मॉडर्न फिजिक्स। तो यही बचा है हमारे पास, ठीक, मतलब 300-400 सालों का काम हम 2 महीने में करेंगे, उन्होंने क्या किया, ठीक। तो अब जो ऑप्टिक्स है वो इस तरीके से डिवाइडेड है, हमारे अगला जो बुकलेट आने वाली है वो इस तरीके से चलेगी, 7 चैप्टर हैं कुल मिला के, और 7 थोड़े नहीं होते, अगर एक लेक्चर में एक चैप्टर ख़त्म कर दें पूरी तरीके तो भी 7 लेक्चर लगते हैं, और 1 महीने में 12 लेक्चर हैं, तो 1 महीने में किसी भी हालत में ऑप्टिक्स ख़त्म नहीं हो सकता किसी का, 12 लेक्चर में कौन ख़त्म करेगा। तो 1.5 महीना तो मुझे लगता है कि इसमें चाहिए ही होगा मैं ठीक तरीके से काम करने में, बाकी हो सकता है जल्दी भी हो जाए क्योंकि इसमें प्रोजेक्टर यूज़ होना है पूरा वॉल्यूम 2 में, तो इसमें आपका एफर्ट एक्चुअल में ज़्यादा होगा, हमारा एफर्ट थोड़ा कम होगा क्योंकि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, न हमने डायग्राम बनाना है तो फटाफट हो जाएगा, न डेरिवेशन करनी है वो भी साथ के साथ हो जाएगी, आपको फ़र्क पड़ेगा क्योंकि आपको उसको रिटेन भी करना है और लिख के भी दिखाना है। तो सेकेंड पोर्शन में जब हम करेंगे अब दिसंबर तक में, इसमें आपके टेस्ट बहुत होने वाले हैं, स्पेशली सब्जेक्टिव टेस्ट, क्योंकि स्पीड खींचने के लिए बुकलेट्स और प्रोजेक्टर की हेल्प है, पर उसमें आपकी प्रैक्टिस नहीं है, कम है थोड़ी क्योंकि थ्योरी है ज़्यादा, अब थ्योरी को जैसे ईएम वेव्स है अब उसमें क्या ही लिखवा लोगे आप, ऐसे ही बीच में कई टॉपिक्स आएंगे ऐसे, तो आप उसको रिटेन करके फिर लिख के दिखाओगे। तो इसमें वेव ऑप्टिक्स में पहला चैप्टर हाइगन्स प्रिंसिपल एंड इंटरफेरेंस, दूसरा चैप्टर जो है डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, और लास्ट चैप्टर फोटोमेट्री। फोटोमेट्री इसलिए रेड है, अब एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, और लेकिन हम इसलिए करेंगे कि कंपटीशन में फोटोमेट्री आ जाती है, रेयर आती है पर आ सकती है। और उसी तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट गलती से रेड हो गया, ये सीबीएसई के सिलेबस में है, अब पहले नहीं था अब है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, डिस्पर्शन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स। हम स्टार्ट वेव से करेंगे, रे से नहीं करेंगे,
ज़्यादातर टीचर रे से स्टार्ट करते हैं, वेव से नहीं करते, और रे ऑप्टिक्स थोड़ा इजी माना जाता है, वेव थोड़ा सा ट्रिकी माना जाता है। मुझे उल्टा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वेव आसान है और रे बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर वो 10 दिनों में ख़त्म होगा तो ये 30 दिनों में ख़त्म होगा। और अगर आप फाइनल्स की बात करते हो तो फाइनल के अंदर, मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आएगा रे ऑप्टिक्स में, एक आएगा वेव में से। तो इट्स बेटर कि हम 10 दिन में से एक नंबर अपना एक क्वेश्चन तो ठीक कर ले, ज़्यादा बेटर रहेगा। नीट के अंदर 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स में से, 2 तो पक्का ही आएंगे, रे में से कम 3-4 आएंगे, तो 5-6 क्वेश्चन सिर्फ ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स लेगा। बोर्ड के अंदर 14 नंबर का पोर्शन सिर्फ ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स का ही है। और अब से लेके अगले 2.5 महीने में जो भी कोर्स चलेगा उसके अंदर 35 मार्क्स का पेपर बोर्ड में इस 2.5 महीने में कवर हो जाएगा, मोर देन 35। 35 नंबर 2.5 महीने में बहुत होते हैं, जितना काम आपने अब तक किया और अब करोगे 50-50% की रेशियो में जाएगा मार्क्स वाइज। मेंस के अंदर ऑप्टिक्स से अगले 2.5 महीने में जो मेंस के क्वेश्चन आएंगे कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन सिर्फ इसमें से आएंगे आज से लेकर दिसंबर तक। तो 30 में से 7 क्वेश्चन का आना बहुत बड़ी बात होती है। 15 क्वेश्चन प्लस टू के आएंगे, आधे इसमें से आएंगे। तो आपने सुना भी होगा मॉडर्न फिजिक्स बहुत आ गई, ऑप्टिक्स बहुत आ गया, तो ये अब पोर्शन स्टार्ट होता है, स्कोरिंग है ना, जल्दी कैच करोगे इसे। नीट के अंदर कम से कम, नहीं तो आप लगा के चलो कि 10 से ऊपर क्वेश्चन नीट नीट में सिर्फ इस सेक्शन में से आएंगे आज से लेके एंड तक, मोर देन 10, शायद 15 ही हो जाए, 10 से 15 क्वेश्चन बहुत होते हैं। एडवांस के अगर आप पुराने पेपर्स को देखो, इस साल के पेपर को छोड़ दो, एडवांस में इस साल में तो फिर भी ठीक पेपर आया, बैलेंस्ड आया, +1 भी आई, उससे पिछले साल और उससे पिछले साल का पेपर देख के लोग हिल गए थे। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स के मोर देन 10 क्वेश्चन थे, मॉडर्न फिजिक्स के 15 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन एडवांस में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इस सेक्शन में से डाले। इस साल ठीक हुआ, बैलेंस पेपर था, पर उससे पहले इतना ज़्यादा जो है खतरनाक रेशियो था इस चैप्टर में से। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये 2.5 महीने आपके लिए कितने क्रुशियल होंगे और कितने स्कोरिंग होंगे, ये आपके ऊपर है, आप कितना ज़्यादा इसमें से गेन कर सकते हो। ठीक, सो स्कोरिंग है और बहुत कुछ गेन हो जाएगा इसमें से। तो अभी स्टार्ट हमने किससे करना है, हाइगन्स प्रिंसिपल एंड इंटरफेरेंस से। इस प्रिंसिपल के अंदर हम सीधा यहाँ पर आते हैं, कुछ नहीं देखना आपने, ये आपके बुकलेट में कुछ नहीं है ऐसा। ये चैप्टर स्टार्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस, रादर चैप्टर नहीं यहां से स्टार्ट। ऑप्टिक्स में होता क्या है, दो ही तो चीजें होती हैं, या तो रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट या फिर रिफ्रैक्ट हो जाती है, दो ही तो चीजें हैं, पूरा ऑप्टिक्स इसी ऊपर बेस्ड है। तो रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर रे ऑफ लाइट आती है, टकराती है एक मिरर से और चली जाती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इज इक्वल टू आर। और इसी में लॉ ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और लाई इन अ सेम प्लेन। और रिफ्रैक्शन का लॉ ये बोलता है व्हेन अ लाइट एंटर्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, तो रे विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, एंड इफ इट बेंड्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, यहां तक बेसिक रूल्स हैं। फिर आपने शायद रिफ्रैक्शन का लॉ सुना होगा, स्नेल्स लॉ, नहीं सुना तो सुन लो। रिफ्रैक्शन का लॉ आपने ऐसे सुने, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, ऐसे सुना होगा। लेकिन हम इसको ऐसे पढ़ेंगे जो आपकी असाइनमेंट के अंदर प्रिंटेड है कुछ इस फॉर्म में, कि अगर मान लो दो मीडियम्स हैं, ये म्यू वन है, ये म्यू टू है, रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, कुछ ऐसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा वन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज थीटा टू, दिस इज म्यू वन, दिस इज म्यू टू। हम रिफ्रैक्शन के लॉ ऐसे लगाते हैं, म्यू वन इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा वन इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा टू। तो म्यू वन इंटू साइन ऑफ थीटा वन इज म्यू टू इंटू साइन ऑफ थीटा टू, ये स्नेल्स लॉ बोलते हैं इसे। और इस लॉ की जो प्यूरी डिटेल है ये रे ऑप्टिक्स में बहुत ज़्यादा, एक पूरा चैप्टर है जिसमें 10 दिन सिर्फ यही काम करेंगे हम, इतना डिटेल में है ये। तो ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, बस ये है कि ऑप्टिक्स, क्योंकि लाइट का फिनोमेना और लाइट में दो ही फिनोमेनाज हैं, रे एंड वेव, इसलिए बताया जा रहा है इसमें। तो अभी आपको जो पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता क्या है,
इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम. तो वैक्यूम में स्पीड सी है, मीडियम में वी है, और इसकी रेशियो जो है ग्रेटर देन वन है, क्योंकि किसी भी डेंसर मीडियम के लिए इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे. तो डेफिनेशन क्लियर है यहाँ तक? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम. ठीक. अब ये चैप्टर कहाँ से स्टार्ट है? ये स्टार्ट है विद द डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट. ये वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट बेसिकली इज अ कॉन्टिन्यूस लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल ऑफ अ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन अ सेम फेज. ये जो सेंटेंस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल फॉर्म में समझाता हूँ. लाइट आपको जब ट्रेवल करती है, आपको उसकी शेप कैसी नजर आती है, उस शेप को वेव फ्रंट बोलते हैं. जैसे आपके पास एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट है, उस पॉइंट में से लाइट लाइट हर तरफ प्रोपगेट कर रही है. कैसे? सपोज एक पॉइंट है, लाइट हर तरफ प्रोपगेट कर रही है, तो आपको लाइट जब ट्रेवल करती हुई दिखाई देगी तो आपको कैसे नजर आएगी? हर तरफ स्फेयर की फॉर्म में. आप ऑन करो सोर्स ऑफ लाइट, स्लो मोशन में डिस्कस, अब इमेजिन करो कि आपको लाइट नजर आएगी एक छोटा स्फेयर, फिर बड़ा स्फेयर, फिर बड़ा स्फेयर, फिर बड़ा स्फेयर, फिर बड़ा स्फेयर, तो स्फेरिकल फॉर्म में. तो आप क्या बोलेंगे कि वेव फ्रंट क्या है? स्फेरिकल वेव फ्रंट है. लाइट की शेप स्फेयर की तरह. अगर मान लो ये स्लिट है, स्लिट मीन्स एक ट्यूब है, ट्यूब के यहां से लाइट और यहां से लाइट नहीं निकल रही, मान लो यहां से लाइट निकल रही है, तो अगर ट्यूब के यहां से लाइट निकल रही है तो आपको क्या नजर आएगा? लाइक अ सिलेंडर, हर तरफ बराबर है, तो सिलेंडर की फॉर्म में लाइट आपको फैलती नजर आएगी. आप क्या बोलेंगे कि वेव फ्रंट की शेप क्या है? सिलेंडर. तो जो भी शेप में लाइट ट्रेवल करती है उसको हम क्या बोल देते हैं? वेव फ्रंट. लेकिन एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन को कैसे, इसको डिफाइन किया गया है? मान लो एक सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट अगर मान लो हर तरफ लाइट को प्रोपगेट करती है, तो उस केस में ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल इक्विडिस्टेंट पार्टिकल्स हैं, एंड दे आर वाइब्रेटिंग इन अ सेम फेज. सेम फेज का मतलब कि अगर मान लो एक लाइट यहां से वहां तक पहुंचे, तीन पार्टिकल्स तक, बराबर डिस्टेंस है तीन पार्टिकल्स का, जब वो वाइब्रेट करेगा पहला पार्टिकल और दूसरा करेगा, तो अगर मान लो टू एंड फ्रो मूव करना है तो इकट्ठे जाना है, अगर ऊपर जाना है तो इकट्ठे जाना है, ऐसा नहीं होगा कि एक आगे आ रहा है तो एक पीछे जा रहा है. मतलब जो इसके साथ होगा वही इक्विडिस्टेंट पार्टिकल इसके साथ होगा, वही इसके साथ, वही इसके साथ होगा, तो हम बोलेंगे दे आर वाइब्रेटिंग इन अ सेम, एक जैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं. तो अगर हम उन सभी उन पार्टिकल्स को ज्वाइन कर लो, पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो जो एक जैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो आपको क्या नजर आएगा? आपको उसकी शेप नजर आएगी. जैसे एक पॉइंट सोर्स है और ये स्फेयर है, इस स्फेयर लाइट का स्फेयर है, लाइट से बना हुआ स्फेयर है, मान लो दो वैसे तो फैलता जा रहा है, इमेजिन कर लो किसी इंस्टेंट पर यहां पर आया था. इस स्फेयर के ऊपर अगर आप पॉइंट्स लेते हो, पॉइंट्स लेते हो, तो वो स्फेयर कैसे बना? उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके ही बना जो एक जैसे सिमिट्री में पॉइंट्स है और इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स. तो उस शेप को जो इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनेगी, उस शेप को क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट. ठीक है यहां तक? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक स्लिट है, तो ये स्लिट के इस तरफ बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं और एक जैसा इक्विडिस्टेंट है, आप उन्हें ज्वाइन करोगे तो शेप क्या नजर आएगी स्लिट में? सिलेंडर. सिलेंडर. तो आप क्या बोलेंगे कि लाइट का वेव फ्रंट क्या है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है. ठीक. नेक्स्ट इज प्लेन वेव फ्रंट. प्लेन वेव फ्रंट बेसिकली क्या होता है? प्लेन वेव फ्रंट है कि अगर मान लो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, पॉइंट सोर्स है, और लाइट कैसे प्रोपगेट कर रही है? लाइक अ स्फेयर. मान लो सन की लाइट है, पता नहीं कितना बड़ा स्फेयर बनेगा, आपको सबको मालूम है सन की लाइट का स्फेयर तो बहुत बड़ा बन सकता है. अगर जो हमारी अर्थ के ऊपर लाइट आ रही है और जो हम देख रहे हैं वो तो उसका बहुत ही छोटा पार्ट है, हम तो कुछ भी नहीं उसके सामने. फॉर एग्जाम्पल ये मान लो एक
लाइट है, पूरी लाइट आ रही है और आगे की तरफ जा रही है, और मान लो ये जो लाइट, ये पूरी दीवार है, ये लाइट है, अभी आगे जाएगी, 2 मिनट मैंने रोक के रखा हुआ है, तो कई किलोमीटर के ऊपर जाके ये बेंड होगी, स्फेयर बनाएगी, ऐसे कई किलोमीटर नीचे गए बेंड होगी। हम तो स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट देख रहे हैं, तो हमें क्या नजर आ रहा है, इट इज एक्टिंग लाइक अ प्लेन, एक प्लेन नजर आ रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? जैसे ये सपोज एक मेरा हाथ बेंड हुआ हुआ है, लेकिन अगर मैं इसका एक बहुत छोटा पोर्शन देखूं तो मुझे क्या नजर आएगा, लाइक अ प्लेन। तो हम बोलते हैं कि कौन सा वेव फ्रंट आ रहा है, प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, यानी कि लाइट का एक छोटा सा पार्ट आ रहा है, दैट्स इट, जो कि हमें, हम शेप बता नहीं सकते कि वो सिलेंडर का पार्ट है या पता नहीं वो स्फेयर का पार्ट है, हमें तो एक पार्ट नजर आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि शेप क्या है उसकी, प्लेन। तो प्लेन वेव फ्रंट तब यूज करते हैं जब या तो सोर्स बहुत दूर होता है, इनफाइनाइट, हमें पता ही नहीं कि शेप क्या है, और या फिर हम एक बहुत बड़ी लाइट का एक छोटा सा पार्ट स्टडी कर रहे हैं, तो हम वेव फ्रंट क्या लेते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। सो क्या है हाइगन्स के प्रिंसिपल? हाइगन्स के प्रिंसिपल ने ये बताया दैट एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट विच इज अ प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स विच ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम। कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं समझ में आएगा। उसने ये बताया कि पहली बात तो उसको ये कैसे ख्याल आ रहा है कि लाइट ट्रेवल कैसे कर रही है, हमें तो कोई ख्याल नहीं आ रहा है इसको देख के, उसको कैसे पता लग रहा है कि वेव्स ही वेव्स उड़ती हुई जा रही हैं। उसने अपना एग्जाम्पल या इमेजिनेशन वाटर से ली। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो एक दीवार है, पीछे पानी है, पानी आगे जाना चाहता है पर दीवार ने रोक के रखा हुआ है, और आपने उस दीवार में बहुत सारे होल्स करने शुरू कर दिए। अब क्या होगा, होल्स की जगह आप ये बोलो कि होल्स की बजाय पूरी ओपनिंग कर दी, छोटी 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 ओपनिंग्स कर दी, तो पहली ओपनिंग में से पानी फैलेगा इस तरीके से बाहर निकलेगा, आपको ऐसा लगेगा वो ओपनिंग इज एक्टिंग लाइक अ सोर्स। दूसरी ओपनिंग में से भी पानी बाहर निकलेगा, इट इज एक्टिंग लाइक अ सोर्स। तीसरी ओपनिंग में से बाहर निकलेगा, इट इज एक्टिंग लाइक अ सोर्स, फैलेगा पानी इस तरीके से। चौथी के अंदर भी इस तरीके से, तो यानी कि आप सोर्स, लेकिन सोर्स तो दीवार के पीछे है पानी का, लेकिन वो जो ओपनिंग्स हैं इज एक्टिंग लाइक अ न्यू सोर्स। ठीक है यहां तक? अब सपोज करो पानी इस तरीके से बाहर फैल रहा है, इस तरीके से आया, इस तरीके से रिपल्स क्रिएट, रिपल्स सोचो ना, पानी में ऐसे रिपल्स आ रहे हैं, सपोज ऐसे फैलते जा रहे, ओवरलैपिंग हो रहे हैं, ठीक इस तरीके से। तो यानी कि उसने कहा जो लाइट है वो भी एग्जैक्टली वैसे ट्रेवल करती है। कैसे? मान लो एक लाइट का सोर्स है और लाइट आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है, हर तरफ ट्रेवल कर रही है, तो सपोज करो थोड़ी दूर, इक्वी डिस्टेंट दूर कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो जो पॉइंट्स हैं दे एक्ट लाइक अ फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट, जबकि सोर्स तो आपका पीछे है, लेकिन आपने बोलना है कि वो जो पॉइंट्स हैं इज एक्टिंग लाइक अ फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट, एंड सच दैट जब वो लाइट प्रोपगेट करते हैं, वो जो बहुत सारे सोर्सेज हैं लाइट को प्रोपगेट करते हैं, तो अगले पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि लाइट आगे जा रही है, और लाइट जब आगे जा रही है तो वहां पर जो पॉइंट्स हैं दे आर ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ फ्रेश सोर्स। इस चीज को इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक। मैं इसको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं किसी एनिमेशन से, वीडियो से। पूरा ऑप्टिक्स लोगों को इसलिए प्रॉब्लम आई होगी, मैं समझ सकता हूं, ऑप्टिक्स को स्टडी करते हो, बिकॉज इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग चाहिए, और दिखता तो है नहीं कुछ इस तरीके से। तो अब आजकल प्रोविजन है कि यूट्यूब पे लोगों ने इमेजिनेशन को एनिमेशन में कन्वर्ट किया, और हम जैसे लोग डाउनलोड करके उसे आपको दिखाएंगे। तो पूरा का पूरा ऑप्टिक्स, हर ऑप्टिक्स का टॉपिक आप नोट करोगे, यूट्यूब की वीडियो के साथ ही स्टार्ट होगा, ताकि आप गलत इमेजिन ना कर लो। हम प्रिंसिपल बाद में स्टडी करेंगे, हम पहले एक बार देखते हैं कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है।
Water creates ripples on the surface. These ripples form concentric circular rings around the source of disturbance and spread outward along the surface. When these ripples reach a point on the surface of water, the point starts oscillating up and down. Different points, which are at the same distance from the source of the disturbance, oscillate in phase. That means all these points reach the crest or trough at the same time. The locus of all such points having the same phase of oscillation is called a wave front. In case of water waves on the surface of water, we observe circular wave fronts. Each circular wave front is. उसने अभी तक क्या बताया कि circular wave front पानी में शुरू कर रहा है, water से शुरू कर रहा है कि water के अंदर ripples create हुए और अगर यहाँ पर crest आ रहा है किसी time पर तो हर instant पर crest आ रहा है, मतलब पूरे ये सारे particles same phase पे crest ही produce कर रहे हैं और ऐसी अगर यहाँ trough आ रहा है तो अगले instant पर trough आ रहा है, ठीक है यहाँ तक, तो इसको बोलते हैं दे आर इन सेम फेस और अगर आप इन्हें ज्वाइन करोगे तो आपको एक सर्कल नज़र आएगा, इसका वेव फ्रंट माना जाएगा। तो पानी में जब पत्थर फेंकते हैं तो रिपल्स क्रिएट होते हैं तो उसका वेव फ्रंट क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक, कंसेंट्रिक सर्कल्स है। यहाँ तक एग्जाम्पल क्लियर है, ठीक, अच्छा ठीक है आगे। Locus of all points having the same phase of oscillation. The propagation of the waves can be understood by studying the propagation of wave fronts. An outward normal drawn at any point on the wave front represents the direction of the wave at that point. In terms of energy, we say that the energy of the wave propagates in a direction perpendicular to the wave front. The speed at which a wave front travels is the speed of the wave. Waves on the surface of water are two times. मैं सीधा हाइगन प्रिंसिपल पे आ रहा हूँ जो काम की चीज़ है। अब जो हम बात कर रहे थे, हमने अभी क्या देखा? उसने वाटर के अंदर प्रोड्यूस करके दिखाया ये कि वेव फ्रंट्स कैसे बनते हैं। अब वो लाइट को इमेजिन करके दिखाएगा क्योंकि हाइगन ने वाटर से शुरू किया था। अब लाइट के अंदर जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो पूरी तरह आपको समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले इसको डायग्राम बनाने दो, जैसे ये एनिमेशन बनाएगा मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, ठीक, जरा ध्यान से देखना। To understand Huygens' principle, let us now consider a primary wave front AB propagating in a homogeneous medium. Then, according to the Huygens principle, each point of AB acts as a source of secondary disturbance. The secondary wavelets emanated from these points are spherical in shape and spread in all directions at a speed equal to the speed of the wave. If the speed of the wave is v, then in time t, the radius of the spherical wavelets becomes vt. The tangential surface common to all these spheres in the forward direction gives the shape and location of the new wave front after t seconds. In the image, मुझे ये डायग्राम दिखाना था बेसिकली। आप प्लीज जरा इस डायग्राम से समझने की कोशिश करो क्योंकि जो चीज मैं बोल के इमेजिन नहीं करवा पा रहा वो डायग्राम से समझ में आएगा। देखो, उसने कहा सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट इमेजिन, जो हम इमेजिन कर पाते हैं वो ये कर पाते हैं कि लाइट स्फेयर की फॉर्म में जा रही है। ये स्फेयर बड़ा हो गया, बड़ा हो गया और बड़ा हो गया एंड सो ऑन, ठीक हो यहाँ तक। हाइगन ने कहा कि सपोज करो आप कोई भी एक पॉइंट ले लो स्फेयर के ऊपर, ये पॉइंट ले लिया उसने, ये पॉइंट ले लिया, इमेजिनरी है, ठीक। उसने कहा कि ये भी एक्ट करता है लाइक अ न्यू सोर्स ऑफ लाइट, तो ये भी एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये भी एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये भी और ये भी, जो हर डायरेक्शन में लाइट को क्या करता है, प्रोपगेट। तो आपने नोट किया होगा ये जगह जगह, जो पहले छोटा स्फेयर था, बड़ा स्फेयर,
लाइट प्रोपगेट हो रही है स्फेयर की फॉर्म में। फिर उसने कहा कि अगर आप इन सभी स्फेयर्स को किसी भी टाइम टी पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो इसके ऊपर, तो क्या नजर आएगा आपको? एक बड़ा स्फेयर नजर आएगा, पूरा वेवफ्रंट नजर आएगा। तो ये जो इमेजिनरी जो डिस्टर्बेंसेज हैं, ये इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, कुछ नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं। उसने जो इमेजिन इमेजिन किया, क्या इमेजिन किया कि जो भी इसके ऊपर कोई पॉइंट्स हैं रास्ते में, दे आर ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ न्यू सोर्स ऑफ लाइट। और ये जो स्फेयर बना, ये नया सोर्स ऑफ लाइट है, और इसके ऊपर जब टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये एक वेव फ्रंट की शेप देगा आपको। फिर ऐसे ये जो वेव फ्रंट आया, इसके ऊपर फिर छोटे 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 पॉइंट्स ले लो, दे आर ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ न्यू सोर्स ऑफ लाइट, तो फिर से स्फेयर बनेंगे यहां पे, और फिर उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक बड़ा स्फेयर बनेगा, वो एक वेव फ्रंट होगा। तो हमें लाइट कैसे नजर आती है? हमें तो स्फेयर्स नजर आ रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन हाइगन ने कहा कि बड़े बड़े स्फेयर्स के अंदर इमेजिन करो कि छोटे छोटे सोर्स ऑफ लाइट है। ये छोटे छोटे सोर्स ऑफ लाइट जो हर पॉइंट पर इमेजिन हो रहे हैं, इनको वेवलेट्स बोलते हैं, वेवलेट्स, वेवलेट्स। और ये जब इन वेवलेट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो एक बड़ा स्फेयर आता है, एक्चुअल स्फेयर आता है, जैसे लाइट ट्रेवल करती है, उसको वेव फ्रंट बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक और छोटा एग्जाम्पल देता हूं, इस क्लास में अगर मान लो एक वेव फ्रंट मुझे प्रोड्यूस करना है, और लाइट मान लो कहां जा रही है, सामने की तरफ जा रही है, प्लेन वेव फ्रंट है मान लो, इसको छोड़ दो एग्जाम्पल को। मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और इनके ऊपर भी कोई ना कोई बहुत सारे पॉइंट्स हैं विच आर एक्टिंग लाइक अ न्यू सोर्स ऑफ लाइट। तो हर कोई स्फेयर 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 बना रहे, तो इमेजिन करो यहां पर स्फेयर ही स्फेयर बने हुए हैं, वो वेवलेट्स हैं, इमेजिन करने। और अगर मैं उन स्फेयर्स की सर्फेसिस को टच कर दूं, ज्वाइन कर दूं, तो पूरा प्लेन बनेगा, उस प्लेन को क्या नाम देंगे, वेव फ्रंट। फिर उसके बाद क्योंकि ये सब डिस्टर्बेंसेस स्फेरिकल फॉर्म में है, मैंने पीछे टेंजेंट ड्रॉ किया, पिछला प्लेन बना, मैंने यहां टेंजेंट ड्रॉ किया तो यहां का प्लेन बना, फिर यहां के प्लेन के ऊपर वेव फ्रंट यानी कि यहां से यहां ट्रेवल कर गया, इस प्लेन के ऊपर इमेजिनरी प्लेन के ऊपर आप पॉइंट्स इमेजिन करो, दे आर ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ न्यू डिस्टर्बेंस, वो न्यू डिस्टर्बेंस में फिर यहां स्फेयर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, आप फिर से एक टेंजेंट ड्रॉ करो तो वेव फ्रंट आगे की तरफ आ गया। तो वो कह रहे हैं कि आप यहां पर इमेजिन करो कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो सोर्स ऑफ लाइट है स्फेरिकल, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वेव फ्रंट आएगा, फिर अगले वेव फ्रंट पे बहुत सारे पॉइंट्स इमेजिन करो स्फेरिकल, फिर टेंजेंट ड्रॉ करो वेव फ्रंट आएगा आगे। तो इस तरीके से वेव फ्रंट आगे 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 ट्रेवल करता जाएगा, और ये कितनी तेजी से ट्रेवल करेगा, विद द स्पीड ऑफ लाइट 3×10^8, ये इतना फास्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इमेजिनेशन कर पा रहे हो कि कैसे लाइट प्रोपगेट करती है, उसके हिसाब से ये प्रोपगेशन का तरीका है लाइट का, ठीक। और इसको आइडिया कैसे आ रहा है, पानी से आ रहा है, वाटर से। कैसे? उसने कहा वाटर है, वाटर में रिपल्स क्रिएट होते हैं, तो बेसिकली हर रिपल इज एक्टिंग लाइक अ न्यू सोर्स ऑफ नेक्स्ट रिपल्स, तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, अगला रिपल क्रिएट हो जाता है, फिर वो अगला रिपल क्रिएट करता है, तो इस तरीके से डिस्टर्बेंस आगे आगे ट्रेवल करता जा रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक? कोई डाउट इसमें? तो इमेजिन कर पा रहे हो कि कैसे काम चल रहे। अब एक इसमें प्रॉब्लम है जो इस स्लाइड में डिस्कस की हुई है कि लाइट हमेशा आगे की तरफ ट्रेवल करती है, हर तरफ ट्रेवल करती जा रही है। ये जो सोर्स है वो लाइट को हर तरफ प्रोपगेट कर रहा है, आगे भी और पीछे भी, तो कायदे से लाइट को पीछे भी तो ट्रेवल करना चाहिए जितना आगे जा रही है, कुछ लाइट आगे कुछ पीछे, लेकिन ऐसा होता नहीं, लाइट पीछे ट्रेवल नहीं करती। टॉर्च अगर आगे चला रही हो तो आगे जाएगी, पीछे नहीं आती। तो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया गया है, हम नहीं करेंगे, कि जब लाइट आगे की तरफ जा रही होती है तो इंटेंसिटी लाइट की आगे की तरफ ही होती है, पीछे की तरफ ना के बराबर होती है, होती नहीं, बहुत कम होती है। तो मैक्सिमम एनर्जी की जो ट्रेवल करने की जो डायरेक्शन होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, ना कि बैकवर्ड। ये चीज हम नहीं करेंगे, ये आपको मैंने फैक्ट बता दिया। तो इसको पूरा देखते हैं वीडियो को, और देखते हैं आगे कैसे रिपल्स क्रिएट होते हैं। इन द इमेज लेट्स बिकम्स वी एक्ट्स एज अ सुपर सेकेंडरी वेवलेट्स बीकन्स प्रिंसिपल दैट इज नाउ कंसीडर अ प्राइमरी वेव फ्रंट AB propagating in a homogeneous medium. Then,
According to the Huygens principle, each point of AB acts as a source of secondary disturbance. The secondary wavelets emanated from these points are spherical in shape and spread in all directions at a speed equal to the speed of the wave. If the speed of the wave is v, then in time t, the radius of the spherical wavelets becomes vt. The tangential surface common to all these spheres in the forward direction gives the shape and location of the new wave front after t seconds. In the image, the surface a'b' represents the location of the wave front ab after t seconds. The secondary wavelets must be directed backward as well as forward from the secondary point sources. If this would be correct, we would get a surface such as a'b' as a back wave. But experimental results do not show the presence of any such back wave. In order to explain this, Huygens proposed that the intensity of the spherical wavelets is not uniform in all directions, but उसने कहा कि अगर ये बैक वेव जनरेट होती तो वेव फ्रंट आगे नहीं वेव फ्रंट पीछे भी जनरेट हो जाता जो कि पीछे वेव फ्रंट कभी ट्रेवल नहीं करता वेव फ्रंट हमेशा आगे ही ट्रेवल करता है तो पीछे का वेव फ्रंट नहीं बनता ये आगे के वेव फ्रंट बनते जाएंगे ये बबल जो बने बड़े हो रहे हैं वही तो बता रहा हूं कि अगर एक बड़ा स्फेरिकल वेव फ्रंट है उसके ऊपर जो आपने पॉइंट्स लिए इमेजिनरी दे आर एक्टिंग लाइक अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस ये ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे एक सोर्स ऑफ लाइट है पॉइंट सोर्स जो हर तरफ लाइट को एमिट कर रहे हैं ठीक मतलब ये तो मेन सोर्स था ही था तो ये भी पॉइंट्स हैं जो कि फिर से सोर्स ऑफ लाइट है तो ऐसा लगता है जैसे हर कोई लाइट की लाइट का सोर्स एक्ट कर रहा है और लाइट आगे 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 ट्रेवल करती जा रही है ठीक यहां तक तो ये स्फीयर्स कुछ नहीं है उसकी इमेजिनेशन है कि मतलब उसने कहा कि अगर ये यहां पर रास्ते में ऐसे पॉइंट्स आते हैं विच एक्ट्स लाइक अ न्यू सोर्स और वो सोर्स लाइट जनरेट करता है एक्चुअल में लाइट जनरेट नहीं कर रहा एक्चुअल पीछे से लाइट ट्रेवल कर रही है पर उसकी इमेजिनेशन है कि इस तरीके से सोर्स जनरेट होता है मतलब जैसे पानी में रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं ऐसी मीडियम के अंदर लाइट की एनर्जी ट्रेवल करती हुई जा रही है ठीक है यहां तक जस्ट एक इमेजिनेशन है तो कहने का मतलब जो हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में कई लोगों को इतनी टेंशन हो जाती है कि अब इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आएंगे नहीं आएंगे आपकी जो स्टडी है वो बहुत ऊपर ऊपर से रहेगी वेव फ्रंट के ऊपर रहेगी इन वेवलेट्स पे नहीं रहेगी ये नहीं दिखाएंगे आपकी बुक्स कोई नहीं दिखाएगी आपको सिर्फ ये बड़ा स्फीयर दिखाया जाएगा बस आपको दिखाया जाएगा कि स्फीयर्स ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन हाइगंस का प्रिंसिपल समझने के लिए हमें डिस्कस करना पड़ेगा और उसने इस टेंजेंट सरफेस का क्या नाम दिया वेव फ्रंट और इस स्फीयर्स का क्या नाम दिया फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस का क्या नाम दिया वेवलेट्स जो यहां वेव फ्रंट बना पहले वाला उसको प्राइमरी जो दूसरे वाला बनेगा वो सेकेंडरी उसने बार बार रिकॉर्डिंग इसमें वीडियो में वर्ड यूज किया सेकेंडरी वेवलेट सेकेंडरी वेव फ्रंट वो सेकेंडरी बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अगर स्फीयर्स प्राइमरी थे तो ये सेकेंडरी है तो अगर ये प्राइमरी है तो अगले सेकेंडरी है तो इस तरीके से सेकेंडरी वेव फ्रंट्स ट्रेवल होते रहेंगे अब उस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं जो एग्जैक्टली हमारी बुकलेट में लिखी हुई है एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट तो एक वेव फ्रंट इमेजिन कर लो एक स्फीयर इमेजिन करो उसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट लो उसका नाम क्या दोगे प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस तो उसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो इमेजिन करो एक फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है और स्फीयर की फॉर्म में लाइट को आगे एमिट करेंगे कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स तो उन डिस्टर्बेंस स्फीयर्स को हम जो छोटी छोटी बॉल्स बनाई थी स्फीयर्स बनाए थे उनको क्या बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स विच ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम तो ये वेवलेट्स भी कितनी स्पीड से बनते हैं सी और वेव फ्रंट भी कितनी स्पीड से जाता है सी पॉइंट क्लियर है यहां तक और दूसरा अ सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करते जाओ आपको लगेगा कि लाइट स्फीयर की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है गिव्स अ न्यू वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट दिस इज नोन एज सेकेंडरी वेव फ्रंट तो प्राइमरी वेव फ्रंट सेकेंडरी वेव फ्रंट टेंजेंट ड्रॉ करते जाओगे उन वेवलेट्स के ऊपर तो आगे वेव फ्रंट ट्रेवल करता हुआ नजर आएगा इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट्स तो इमेजिनेशन क्लियर है तो वीडियो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाता है कि इमेजिन करना बेटर हो जाता है थोड़ा सा
ठीक है यहाँ तक। खैर इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ये सीबीएसई टिपिकल सीबीएसई टॉपिक है, इसमें सीधा पूछा जाता है क्वेश्चन, डिस्कस करो हाइगंस के प्रिंसिपल्स क्या है, तो कॉम्पिटिशन में नहीं आता ये, इंटरफेरेंस पे आएगा उसमें, ठीक है यहाँ तक। और लेकिन क्योंकि थ्योरी या प्रूफ तो करनी पड़ेगी, स्टार्ट तो हिस्ट्री यहीं से हुई थी, इसने शुरू किया था तो इसका नाम लेना तो जरूरी बनता ही है कि उसने क्या बोला था। तो अब नेक्स्ट जो है, एक्चुअल में आपकी बुक्स के डायग्राम ऐसे हैं, सन है स्फेरिकल फॉर्म में लाइट को एमिट कर रहा है, तो ये देखो वेवलेट्स हैं इमेजिन करो, और टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो वेव फ्रंट है। आप अर्थ के ऊपर हो, आपको लाइट का कुछ पोर्शन नजर आएगा, ये स्फीयर बहुत बहुत बड़े हो जाएंगे, ये नीचे जाके बैंड होगा, ये ऊपर जाके बैंड होगा, आपको लाइट का पार्ट नजर आ रहा है, तो आपको वेव फ्रंट की शेप क्या नजर आ रही है, प्लेन वेव फ्रंट नजर आ रहा है। देखो ये बबल, ये देखो ये सब वेव फ्रंट्स हैं, मतलब वेवलेट्स हैं, वेव जनरेट हो रही है, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जा रहे हैं तो वेव फ्रंट्स हैं। तो जहां जैसे मर्जी एग्जाम्पल ले लो, वेव फ्रंट से वेव फ्रंट जनरेट हो रहे हैं इसमें, जो आपके काम की चीज है इसमें। अब उसने क्या किया, ये तो अभी उसकी थ्योरी थी, ऐसा उसका मानना है, अब कुछ तो उसको भी प्रूव करना पड़ेगा कि मेरी भी बात सही है कि नहीं। तो उसने दो लॉज को प्रूव कर दिया ऑप्टिक्स के, जो मेजर लॉज हैं, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन, किया तो न्यूटन ने भी था, अब वही तो प्रॉब्लम है, न्यूटन ने भी कर दिया, इसने भी कर दिया, अब किसकी थ्योरी सही है, वो तो यंग्स ने बताया था इंटरफेरेंस करके, इसकी थ्योरी ज्यादा सही है, ठीक है यहां तक, क्योंकि वो इंटरफेरेंस न्यूटन की थ्योरी से प्रूव हो नहीं पाया था, क्योंकि वेव नेचर थी लाइट की, और इसकी थ्योरी क्या बोलती है कि वेवलेट्स जो है वो वेव नेचर का ही पार्ट है, वेव रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं एक तरीके से, तो इसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अब रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी के अंदर लेट अस सपोज आप इमेजिन कर सकते हो, आप इमेजिन करो कि सपोज एक वेव फ्रंट है, देखो इसमें आप रे ऑफ लाइट तो वर्ड यूज ही नहीं कर सकते, हम कौन सा रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, हम तो वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, और वेव के अंदर भी अभी तो हमें यह पता है कि कुछ डिस्टर्बेंसेस ही चलती हैं, लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंसेस। तो उसने क्या किया, एक मिरर लिया, एक मिरर लेके उसने ये कहा कि देखो एक वेव फ्रंट आ रहा है, वेव फ्रंट का मतलब ये देखो डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, टेंजेंट ड्रॉ किया तो वेव फ्रंट बन गया, फिर अगली डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, टेंजेंट ड्रॉ किया वेव फ्रंट बन गया, अगली डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, टेंजेंट ड्रॉ किया वेव फ्रंट बन गया। अब कभी ना कभी हवा से आता हुआ वेव फ्रंट, तो जितना मर्जी बड़ा ले लो, उसने एक छोटा वेव फ्रंट लिया छोटे साइज का, इमेजिन किया, दिख तो उसको कुछ रहा नहीं था, अब ये तो है नहीं कि उसको दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा, लाइट तो जैसी दिख रही है वैसी दिख रही है, तो उसने ज्योमेट्री से इस लॉ को प्रूव किया, इसलिए वेव ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि सारा ऑप्टिक्स ज्योमेट्री से प्रूव हो जाता है, तो आपको सन लाने की जरूरत नहीं है, सन को देखने की भी जरूरत नहीं है, कॉपी पे एक सन बनाएंगे, इधर से अर्थ बनाएंगे, इधर से वेव फ्रंट बना देंगे, तो ज्योमेट्री से प्रूव हो जाएगा देखो वेव फ्रंट आ रहा है। और ऐसे ही उसने क्या किया, एक मिरर लिया, सोच लिया कि यहाँ डिस्टर्बेंसेज ऐसे आती होंगी अपनी थ्योरी से, और एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो वेव फ्रंट आ गया। तो लेट अस सपोज ये वेव फ्रंट इस मिरर को क्या कर गया, स्ट्राइक कर गया। अब जब ये लाइट स्ट्राइक करेगी, आप इमेजिन करो ये डिस्टरबेंस पहले हिट कर गई मिरर को, ये बाद में करेगी मिरर को, ये उससे बाद में करेगी मिरर को, ये सबसे बाद में करेगी मिरर को, जो पहले हिट कर गई वो पहले रिफ्लेक्ट हो गई, ये बाद में रिफ्लेक्ट होगी, ये बाद में होगी, और ये सबसे बाद में होगी। तो उसने इस डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम को ईजी कैसे बनाया, उसने एक लाइन एक्सट्रीम पोजिशन की ले ली, एक्सट्रीम डिस्टर्बेंस एक इस एक्सट्रीम को ले लिया, और बीच में एक सेंट्रल लाइन ले ली, ये देखो ये एक वेव फ्रंट आ रहा है ए बी, तो ए बी बेसिकली क्या है, इमेजिनरी वेव फ्रंट है, और ये वेव फ्रंट का मतलब यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस हैं, तो ये डिस्टर्बेंसेस हैं। उसने एक डिस्टर्बेंस ये कॉर्नर की ली, एक डिस्टर्बेंस ये कॉर्नर की ली, और एक कहीं बीच में, वैसे जितनी मर्जी लाइन ड्रॉ करो डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस ही आ रही है, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। तो उसने तीन लाइनें ले ली, एक मिड पॉइंट ले लिया और एक दो कॉर्नर्स ले लिया, कोई इसको रे ना बोले क्योंकि रे है ही नहीं, ये तो बेसिकली डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, तो क्योंकि अगर रे बोल रहे हैं फिर तो यार हो ही क्या प्रूव, आई इज इक्वल टू आर प्रूव क्या करना, यहीं पे डन हो गया, ये रे है ही नहीं जब, ये तो डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं। अब ये एक वेव फ्रंट है, अब अगला वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ करना है ये इंपॉर्टेंट है, अगर तो हवा में लाइट ट्रेवल करती जा रही है ऐसे या वैक्यूम में, तो ये एक वेव फ्रंट है, अगली डिस्टर्बेंस स्फीयर बनेगी यहाँ पे, अगला वेव फ्रंट है, टेंजेंट ड्रॉ करो, अगला यहाँ रिपल्स बनेंगे, फिर तो वेव फ्रंट सीधा ट्रेवल कर रहा है, और वेव फ्रंट सीधा ट्रेवल करने का मतलब है कि सारी डिस्टर्बेंसेस, जैसे ये डिस्टर्बेंस उसको क्रिएट कर रही है, ये उसको क्रिएट कर रही है, ये उसको क्रिएट कर रही है, तो टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट इज ऑलवेज सेम। देखो ना, सारी डिस्टर्बेंसेस इकट्ठी ट्रेवल करेंगी, इकट्ठी का मतलब है
ये जितनी देर में यहाँ आएगी उतनी देर में ये आएगी, उतनी देर में यहाँ आएगी उतनी देर, तभी तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और टेंजेंट ड्रॉ करोगे तभी तो वेव फ्रंट प्लेन नजर आएगा, नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं आ जाएगा। कोई स्लो चल रहा है, कोई फास्ट चल रहा है, तो वेव फ्रंट की लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी टेंजेंट के साथ, जबकि वेव फ्रंट तो स्ट्रेट ही होता है। तो ये आपका लास्ट वेव फ्रंट था टकराने से पहले। अब अगला वेव फ्रंट बनने में प्रॉब्लम है, मैं अगला वेव फ्रंट ये ड्रॉ करूं, ये ड्रॉ क्या कहां लाइन मारूं, ऐसे इमेजिनरी थोड़ी ना होगी। तो हाइगन ने ये कहा कि जाने वाला, देखो डिस्टर्बेंसेस आई इकट्ठी थी, वेव फ्रंट तब तक नहीं बनेगा जब तक ये इकट्ठी डिस्टर्बेंसेस वापस जाएंगी नहीं। देखो ना, जाना तो वेव फ्रंट को इकट्ठे ही है, जाना तो ऐसे है सच दैट ये डिस्टर्बेंसेस इकट्ठी ही जाएंगी, ये तो हो नहीं सकता ये तेज हो गई, ये स्लो हो गई, फिर तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन होगी। तो हाइगल ने ये कहा कि जब तक ये डिस्टर्बेंस इसे हिट नहीं करेगी, हिट नहीं करेगी यानी कि इसकी रिफ्लेक्शन नहीं होगी, तब तक ये इकट्ठे हो ही नहीं पाएंगे। कहने का मतलब इसकी रिफ्लेक्शन तो होगी सबसे पहले, ये तो चल पड़ा इस तरफ, इसके रिफ्लेक्शन थोड़ी लेट हुई, ये भी चल पड़ा इस तरफ, अब इसके रिफ्लेक्शन तो हुई नहीं अभी तक, ये तो सबसे लेट होगी, और हमने इन तीनों को सभी डिस्टर्बेंसेस को इकट्ठे भेजना है, इकट्ठे भेजेंगे तभी तो लाइट इकट्ठी ट्रेवल करेगी, तभी तो वेव फ्रंट प्लेन बनेगा। तो हाइगल ने ये कहा कि जाने वाला वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्लेक्शन तब तक नहीं बनेगा जब तक ये डिस्टर्बेंस इस मिरर को हिट नहीं करती। तो जब तक ये हिट कर रही है तब तक बीच में कोई वेव फ्रंट नहीं बन सकता, बीच में कोई वेव फ्रंट नहीं बनेगा। तो ये लास्ट वेव फ्रंट था टकराने से पहले, रिफ्लेक्शन से पहले, और रिफ्लेक्शन के बाद जो वेव फ्रंट बनेगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये बनेगा। क्यों स्टार्टिंग पॉइंट ये बनेगा? क्योंकि जब तक ये इसे हिट नहीं करेगा तब तक वेव फ्रंट जाने वाला तैयार नहीं होगा। तो हाइगन ने क्या किया, अपनी ज्योमेट्री का, ज्योमेट्री की हेल्प ली। कैसे? उसने कहा कि लेट अस सपोज इसकी स्पीड सी है और ये टी टाइम लेगा इसको हिट करने में, तो वेव फ्रंट का स्टार्टिंग पॉइंट तो यही बनेगा, जाने वाले वेव फ्रंट का स्टार्टिंग पॉइंट यही बनेगा। तो हाइगल ने कहा कि इसकी स्पीड सी है, टाइम टेकन इसका टी है, उसने इमेजिन किया ये डिस्टेंस सी इंटू टी है, उसने कंपस लिया, उसने कहा जितनी देर में ये डिस्टर्बेंस इसे हिट करेगी उतनी देर में तो ये डिस्टर्बेंस पता नहीं कहां चली गई होगी, ये तो रिफ्लेक्ट होकर आगे जा रही है। तो उसने यहां एक कंपस लिया और सी इंटू टी डिस्टेंस जितना आर्क ड्रॉ कर लिया, मतलब सी इस डिस्टरबेंस की यहां से यहां आने की स्पीड कितनी है सी, और इस डिस्टरबेंस की इधर जाने की स्पीड कितनी है सी, वैक्यूम ही चल रहा है अभी। तो उसने ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया सी टी, और उसने कहा कि जितनी देर में ये डिस्टरबेंस सी इंटू टी डिस्टेंस कवर करेगी उतनी देर में ये डिस्टरबेंस सी इंटू टी डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, और इकट्ठा मिलाने उसको डिस्टरबेंसेस को। तो उसने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, उसने कहा कि मान लो डिस्टरबेंस ऐसे आ रही है, एक आर्क ड्रॉ किया और टेंजेंट ड्रॉ किया डिस्टरबेंस मान के, तो उसने कहा ये देखो यहां से वेव फ्रंट स्टार्ट होगा और यहां पर एंड होगा, तो ये जाने वाला वेव फ्रंट है सच दैट यहां से ये डिस्टेंस सी इंटू टी हो गया, ये डिस्टेंस भी सी इंटू टी हो गया, और जब उसने ये कैलकुलेट किया तो ये डिस्टेंस मिला के कितना हो गया सी इंटू टी हो गया। कहने का मतलब सभी डिस्टर्बेंसेज यहां पर इकट्ठी हो गई और फिर इकट्ठी होकर फिर वेव फ्रंट चल पड़ा, मतलब इसके और इसके बीच में कोई और वेव फ्रंट नहीं एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रहा है यहां तक? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वेव फ्रंट आया, यहां तक तो सब ठीक था, वेव फ्रंट आता जा रहा है हवा में, डन। यहां पर ब्रेक हो गया क्योंकि यहां पर उसको समझ में नहीं आया अब क्या करना है, डिस्टर्बेंसेस आई इकट्ठी थी, जाते हुए भी रिफ्लेक्शन के बाद इकट्ठा जाना है, इकट्ठे तब होंगे जब तक ये रिफ्लेक्ट हो नहीं पाएगा, तो ये जब रिफ्लेक्ट हुआ तो जाने का वेव फ्रंट अब यहीं से स्टार्ट होगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो उसको मिल गया, उसको एंडिंग पॉइंट नहीं मिल रहा था। तो उसने कहा कि जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर लिया सी इन टू टी, उतनी देर में इसने अपना डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया होगा सी इन टू टी, उसने आर्क ड्रॉ की, टेंजेंट ड्रॉ किया, तो उसने कैलकुलेट किया ये भी सी टी, ये भी सी टी, ये भी सी टी, तो ये जाने का डिस्टेंस कितना है सी टी, ये टोटल डिस्टेंस सी टी, तो जाने का क्या हो गया वेव फ्रंट हो गया। तो ये डायग्राम क्लियर है कि डिस्टर्बेंसेस की फॉर्म में उसने कैसे डायग्राम बनाया, इसमें टोटल इमेजिनेशन है, ठीक है यहां तक? तो पूछो डाउट मैक। तो इसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन देखो कैसे बनाया, आपकी बुकलेट में बेटर डायग्राम है, इसमें ज्यादा क्लियर नहीं है, एक नॉर्मल बना होगा आपकी बुकलेट में, चेक कर लो, नॉर्मल के साथ इस
डिस्टरबेंस ने एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनाया, आई चेक कर लो, आई बना हुए, ठीक। याद रखना डिस्टरबेंस और वेव फ्रंट में हमेशा हमेशा ये एंगल कितना होगा, 90, डिस्टरबेंस और इसमें एंगल 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये और ये भी 90, टोटल 90। तो अगर ये आए तो ये 90 माइनस आए, और क्योंकि इसके साथ नॉर्मल है तो 90 माइनस आए तो ये कितना आ गया, आई, ठीक। तो वेव फ्रंट ने कितना एंगल बनाया था, आई नॉर्मल के साथ, और ये एंगल भी बाई ज्योमेट्री आपने कितना निकाल लिया, आई, ठीक। फिर से ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ इस वेव, इस डिस्टरबेंस ने एंगल कितना बनाया, आई। ये और ये 90 पे, तो ये वाला एंगल 90 माइनस आई 90 है, ये और ये 90 है, नॉर्मल है, तो अगर ये 90 माइनस आई तो ये कितना आई। उसी तरीके से जाने वाला वेव फ्रंट ये होगा रिफ्लेक्ट होने वाला, तो ये एक नॉर्मल है, ये नॉर्मल सही नहीं बना, नॉर्मल बिल्कुल स्ट्रेट बनाना, आपकी बुक में सही बना हुआ है, ये गलत है, ये पूरा नॉर्मल है, सच दैट नॉर्मल के साथ एंगल क्या बनेगा जाती हुई डिस्टरबेंस का, आर रिफ्लेक्शन, अगर ये आर तो बचा हुआ 90 माइनस आर, अगर ये 90 माइनस आर तो ये कितना आर, जैसे आई को प्रूव किया वैसे आर को प्रूव कर लिया सेम। और अब ये प्रूव करना चाहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको प्रूव करने के लिए उसने दो ट्राइंगल लिए, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, दो ट्राइंगल लिए, इस ट्राइंगल में ये एंगल 90, ये 90, 90 90, ये बेस कॉमन है दोनों में, और ये डिस्टेंस कितना है सीटी, ये डिस्टेंस कितना है सीटी, कॉन्कोरेंट ट्राइंगल हो गए, एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर क्या हो गया, सेम हो गया। तो इससे प्रूव कर दिया उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है यहां तक।
नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी. ये बहुत आसान है, मैं बोलूंगा ठीक. लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी. रिफ्रैक्शन का प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है. ये देखो, अब थोड़ा बेटर हो जाएगा समझने के लिए, इजी लगेगा आपको. वेव फ्रंट आया वैक्यूम में, वैक्यूम रेयर मीडियम में स्पीड c1 है, डेंसर में स्पीड c2 है. ये वेव फ्रंट आया, यहां तक तो ठीक चल रहा है सब कुछ, लेकिन मान लो डेंसर मीडियम आ गया, जैसे वाटर आ गया, पानी में एंटर कर गई लाइट वैक्यूम से, तो हुआ क्या, ये जो डिस्टर्बेंस आ रही थी इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, ये तो पहली पानी में एंटर कर गई और ये थोड़ी लेट करेगी, बेंड होगी, और ये सबसे एंड में करेगी. अगर मैं ये कहूं कि मुझे वेव फ्रंट पानी के अंदर बना के दिखाओ, डेंसर में बना के दिखाओ, आप कहोगे जब तक ये डिस्टर्बेंस पानी में नहीं आएगी तब तक मैं वेव फ्रंट बना ही नहीं सकता. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इस वजह से वेव फ्रंट वाटर के अंदर या डेंसर मीडियम में तब तक नहीं बनेगा जब तक सारी की सारी डिस्टर्बेंसेस लिक्विड में नहीं आ जाती, और वो तब आएगी जब ये आएगी, और जैसी ये आई तो वेव फ्रंट की स्टार्टिंग पॉइंट उसको पता था यही होगा. और लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब तक ये डिस्टर्बेंस यहां से यहां आ गई उतनी देर में ये डिस्टर्बेंस वाटर में पता नहीं कहां चली गई, आगे तक चली गई ऑब्वियसली. समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये तो वाटर में चलनी स्टार्ट हो गई और ये तो अपने आप आती रहेगी पीछे, और ये वैक्यूम में. अब प्रॉब्लम यह है कि इसमें स्पीड में अंतर है. यहां डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रही है विद द स्पीड ऑफ सी वन, तेज ट्रेवल कर रही है वैक्यूम में, और यहां ट्रेवल कर रही है विद द स्पीड ऑफ सी टू, स्लो ट्रेवल कर रही है. ठीक. अब एक चीज समझने वाली है, अगर एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक डिस्टर्बेंसेस को इकट्ठे जाना है, देखो नेक्स्ट वेव फ्रंट तभी बनेगा जब सभी डिस्टर्बेंसेस फिर से इकट्ठी हो जाएंगी. इकट्ठी होने का प्रिंसिपल यह है, जितना टाइम एक डिस्टर्बेंस यहां से यहां आने में लगा रही है उतना टाइम दूसरी डिस्टर्बेंस यहां से यहां आने में लगाएगी. कहने का मतलब एक डिस्टर्बेंस यहां से यहां टी टाइम में आ रही है तो दूसरी डिस्टर्बेंस एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक टी टाइम ही लगाएगी. अगर टाइम ज्यादा कम हो गया उस केस में क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी. कैसे? हाइगंस को यह पता था कि स्पीड इसमें अलग है इसमें अलग है. उसने कैलकुलेट कर लिया कि कितनी देर में टाइम टी में ये डिस्टर्बेंस यहां से यहां आती है, मान लो टी टाइम में आती है, उतनी देर टी टाइम में ये डिस्टर्बेंस पानी में जा चुकी होगी, तो टाइम टेकन क्या रहेगा दोनों का सेम, यानी कि जितने टाइम में ये डिस्टर्बेंस यहां तक आएगी उतने टाइम में ये डिस्टर्बेंस यहां तक आएगी, उतने टाइम में ये डिस्टर्बेंस यहां से यहां तक आएगी, टाइम टेकन सेम है. आप ये नहीं कहेंगे कि डिस्टेंस सेम है, इसमें डिस्टेंस सेम नहीं होता, ये डिस्टेंस सेम नहीं हो सकता. क्यों? स्पीड अलग अलग है ना, यहां तेज है डिस्टर्बेंस यहां स्लो चलेगी, और टाइम टेकन दोनों का सेम है. पॉइंट समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब यह है कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट पे जाने का टाइम हमेशा क्या रहता है, सेम. आप ये बोल सकते हो कि स्पीड में अंतर है तो वेव फ्रंट टेढ़ा हो जाएगा लेकिन टाइम टेकन सेम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल मान लो सोल्जर्स है, आप छोड़ो इससे, सोल्जर्स आर्मी वाले हैं, एक लाइन में चल रहे हैं, यहां तक लाइन में चल रहे थे, और मान लो उनको ऑर्डर आया कि जब मीडियम चेंज हो जाएगा तब भी उनको लाइन में ही चलना है, और दे मस्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन ओनली इन अ गिवन मीडियम. अब ये जो सोल्जर है इसकी तो बेंडिंग हो गई क्योंकि तो मीडियम चेंज कर गया, तो ये तो अपने चलना स्टार्ट हो गया यहां पे, इसकी स्पीड स्लो हो गई यहां पे इस मीडियम में. अब ये सोल्जर तब तक इसमें एंटर नहीं करेगा जब तक ये वैक्यूम का रास्ता कवर नहीं करेगा, तो ये तो वैक्यूम में चलता गया यहां से यहां तक और काफी तेज चल रहा है क्योंकि वैक्यूम में स्पीड ज्यादा है, और ये बीच में बेंड हो गया. अब उनको ये ऑर्डर था कि रहना उनको इकट्ठे ही है, रहना इकट्ठे ही है, तो यानी कि जितनी देर में ये यहां से यहां पहुंचेगा उतनी देर में इसको यहां से यहां पहुंचना है, पर इसका डिस्टेंस थोड़ा कम होगा. क्यों? इसकी स्पीड थोड़ी सी कम, स्लो है, और इसमें स्पीड तेज है तो इसका डिस्टेंस, तो मैं ये नहीं कह सकता इनका डिस्टेंस सेम है. मैं ये बोल सकता हूं जितनी देर में यहां से यहां आएगा उतनी देर में ये यहां से यहां जाएगा, तो टाइम टेकन इनका क्या रहेगा, सेम रहेगा. क्या पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अच्छा, इसको समझाने का एक और तरीका है. मान लो कि मैं और एक और स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट्स हैं, मेरी स्पीड ज्यादा है और इसकी स्पीड कम है, और हमने डिसाइड किया हम 11 के राउंड अबाउट तक हमें इकट्ठे पहुंचना है, टाइम टेकन शुड बी सेम, तो ही हम इकट्ठे जर्नी स्टार्ट करेंगे.
अब मेरी स्पीड तो ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो ये तो बेसिकली छोटा रास्ता कवर करेगी, लेकिन मैं कहीं लंबे रास्ते से आऊँगा क्योंकि मेरी जो स्पीड है वो ज़्यादा है। अगर हम एक ही रास्ता फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा, ये लेट पहुँच जाएंगे, इकट्ठे नहीं पहुँच पाएंगे। तो बेसिकली मैं क्या कहूँगा कि जो तो जिसकी स्पीड स्लो है उसको कहेंगे भाई तू तो सीधा चल, और जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसको थोड़ा घुमा के लेके आएंगे, लेकिन टाइम टेकन दोनों का एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, जिस जिसकी व्हीकल की स्पीड ज़्यादा है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके आ जाएगी, लेकिन पहुँचेगी वहीं पर एट द सेम टाइम, तभी वो इकट्ठे चलेंगे, नहीं तो इकट्ठे चल नहीं सकते वो। पॉइंट समझ में आ रहा है? उसी तरीके से ये सोल्जर यहाँ से यहाँ जितनी देर में आएगा उतनी देर में यहाँ से यहाँ जाएगा, टाइमिंग सेम रखना है आपको। तो अब ये इकट्ठे हो चुके हैं सारे के सारे, अब ये सीधा आगे चलते जाएंगे, ठीक है यहाँ तक? तो कई लोग कन्फ्यूज होते हैं, कई लोग सोचते हैं डिस्टेंस ये और ये सेम है, ये डिस्टेंस सेम नहीं है, ठीक है यहाँ तक? और लास्ट स्टेप है इसमें कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आए नॉर्मल के साथ डिस्टर्बेंस का, अगर ये आए तो ये 90 माइनस आए, ये 90 माइनस आए तो ये आए एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्शन में ये नॉर्मल है ये आर, 90 माइनस आर तो ये आर। तो इस ट्राइंगल में साइन आई किसके इक्वल है, साइन ऑफ आई विल बी इक्वल टू ए डैश बी बाई ए ए डैश, साइन आई इज ए डैश बी बाई ए ए डैश, क्योंकि ये 90 डिग्री है, और ऐसी साइन आर इज ए बी डैश डिवाइडेड बाई ए ए डैश, साइन आर इज ए बी डैश बाई ए ए डैश। अगर मैं इन्हें डिवाइड कर लूँ साइन आई बाई साइन आर तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड आई विल गेट ए डैश बी डिवाइडेड बाई ए बी डैश। ए डैश बी किसके इक्वल है, सी वन इंटू टी, तो यहाँ पर पुट करेंगे सी वन इंटू टी, और ए बी डैश किसके इक्वल है, सी टू इंटू टी, सी टू इंटू टी, टी से टी कैंसिल, सी वन बाई सी टू। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको क्या बोलते हैं, म्यू, तो म्यू इज साइन आई बाई साइन आर, यही रिफ्रैक्शन का लॉ होता है, स्नेल्स लॉ, हो गया प्रूफ। तो उसने ज्योमेट्री से प्रूव कर दिया स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल है इसमें। तो इसके अंदर ये डायग्राम बनाने के बाद समझ में आ रहा होगा, इसने साइन आई बाई साइन आर की रेशियो ली, दोनों को डिवाइड किया, म्यू आ गया, और म्यू का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक। यहाँ तक थ्योरी थी और ये हाइगन्स के प्रिंसिपल थे जो उसने एक्सप्लेन किए, लेकिन अब जो स्टार्ट है वो कुछ और स्टार्ट है, वो है इंटरफेरेंस, ठीक। ये टोटल मैथमेटिकल